हे फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत दिनों के बाद, लिटरली 2 महीने के बाद मैं यूट्यूब का वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहला आप सबका वेलकम। और रीज़न ये था कि मैं 2 महीने से नहीं थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे और मैं एडमिट भी थी और डॉक्टर ने भी बेड रेस्ट बोला था। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सोशल मीडिया से दूर थी, लेकिन अभी मैं अच्छी हूँ, हेल्थ एकदम अच्छी हो गई है और मेरा कमबैक हो गया है। तो सोचा मेरा फर्स्ट यूट्यूब का व्लॉग मेरे होम टूर पे बनाऊँ, क्योंकि मुझे, मैं जब भी पोस्ट डालती हूँ या फिर फोटोज़ डालती हूँ या स्टोरीज़ डालती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स मेरे घर के ऊपर ही आते हैं कि आपका बहुत घर अच्छा है, एकदम ब्यूटीफुल है, डेकोरेट अंदर बहुत अच्छा किया हुआ है। तो सोचा मेरा एक होम टूर आपको दिखा ही दूँ। तो बेसिकली मेरा घर चौल में है, जैसे कि लगता नहीं है, फ्लैट लगता है, लेकिन हाँ मेरा घर चौल में है। बट उसको हम लोग ने इस तरह से मॉडरेट किया हुआ है कि आपको कोई फ्लैट की कमी नहीं दिखेगी, मतलब सेम एज अ फ्लैट ही आपको दिखेगा। तो वैसे हम लोग यहाँ पे जब रहने आए तो मुझे ये घर इतना पॉजिटिव वाइब्स लगा कि मैंने वो खरीद लिया। इतना सोचा नहीं कि चौल में है एंड ऑल सब, और मैंने उसको अपने हिसाब से मॉडरेट किया। तो आप लोग देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा है, और आप भी ये सब टिप्स लेके अपने घर को भी इतना ब्यूटीफुल और सुंदर बना सकते हो। जैसे कि हमारे बॉम्बे में चौल में घर बहुत छोटे छोटे रहते हैं, उसको आप छोटी छोटी जगहों में कैसे एडजस्ट करके इतना एकदम न्यू लुक दे सकते हो, वो अपने आपको दिखाऊंगी। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, आईडी नीचे मेंशन कर रही हूँ, तो बने रहिए मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ये बाहर का लुक है मेरे घर का, आप देख सकते हो। बाहर भी हम लोग ने ऐसे पूरा मेंटेन करके लिया हुआ है, और यहाँ पे ये और एक सेफ्टी डोर है, वो खोल के आप घर में एंट्री कर सकते हो। शुरुआत यहाँ से है, ये मेन डोर है, यहाँ से आप अगर एंट्री करोगे तो फिर बाद में आपको मैं हॉल का लुक दिखाती हूँ पूरा कैसा है। हम लोग का 1+ रूम है, ऊपर बेडरूम और किचन है, और नीचे हम लोग ने पूरा हॉल रखा हुआ है। तो नॉर्मली चौल के रूम में कैसा होता है कि नीचे किचन वगैरह सब कर देते हैं और ऊपर सोने के लिए माला बना देते हैं, लेकिन हम लोग ने थोड़ा सा लुक चेंज कर लिया, आप देख सकते हो। हाँ, तो ये पूरा हम लोग का हॉल है ये, और आप देख सकते हो। और ये जो सोफा है, इसको हम लोग ने ये मेरे घर के कलरिंग के हिसाब से मॉडरेट करके, मतलब बाहर से मंगवा के बनवा के लिया हुआ था। और ये जो टेबल है, ये भी हम लोग ने अच्छे से कलर मैचिंग चॉइस करके ही जाके लाया हुआ था। और ये दोनों साइड आपको दो पेंटिंग दिख रही है, ये पेंटिंग थोड़े थोड़े टाइम बाद हम लोग ने फिर जाके लेके आए, और वास्तु के हिसाब से ये हॉर्स का और वो शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट पूरा लगाया हुआ है। उसके बाद हम लोग को फिक्स था कि हमारा टीवी यहाँ पे ही लगाना है। और नॉर्मली कैसे रहते हैं, आपका फर्नीचर में बहुत सारा जगह चला जाता है, तो ये पूरा वॉल था, तो हम लोग ने दिमाग लगाया कि अगर ये वॉल में ही फर्नीचर अगर आप बनाओ तो आपका जगह बच सकता है। तो ये जो पैनल है ना, ये फर्नीचर का, ये वॉल के अंदर है, तो आपका इतना स्पेस, मतलब इतना जगह आपका बच गया। अगर आप इसको निकालोगे तो आपका फर्नीचर यहाँ तक आ जाता है, लेकिन ये दीवार के अंदर फिक्स है, इसके लिए इसमें जगह कम दिया है। और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली हम लोग ने पूरा मेंटेन किया हुआ है। और ये जो वास है,
और बाकी सब जो भी आपको दिख रहा है ये हम लोग ने बाद में जाके एक एक खरीद के लाए और अपने हिसाब से डेकोरेट कर दिए। और यहाँ से भी आपको पूरा लंबा हम लोग का हॉल दिख सकता है, पूरा दोनों साइड विंडो रखा हुआ है। और विंडो रखने का, अगर आपको कॉर्नर का रूम मिल जाए तो विंडो का एक आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। बहुत बड़े बड़े विंडोज हम लोग ने छोड़े हुए हैं क्योंकि उससे आपके घर में हवा भी बहुत अच्छी खासे आएगी और घर में वातावरण एकदम फ्रेश रहेगा। ऊपर का जो झूमर देख रहे हो वो भी हम लोग ने बाद में लास्ट में चॉइस करके लाया था। और ये है हमारा हॉल का लुक पूरा, ये आप देख सकते हो पूरा हॉल का लुक है। और यहाँ से हम लोग ने ये सीढ़ी बनाया हुआ है, एक मिनट, यहाँ से आपने ये सीढ़ी बनाया हुआ है। और सीढ़ी को नॉर्मल नहीं रखता है, रखा हुआ है जैसे कि चाल में कैसे रहता है नॉर्मल एक लोखंड का सीढ़ी रहता है और उससे चढ़ना रहता है ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग ने सीढ़ी को भी मॉडरेट किया थोड़ा स्टेनलेस स्टील से लगा के और ऐसे ही खुला ओपन रखा क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छा सा लुक आ जाए। तो आ जाइए मैं आपको ऊपर का दिखा देती हूँ पूरा। तो आपको ये सीढ़ी का लुक थोड़ा सा ये लगेगा लेकिन चढ़ने में मतलब अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, ये हम लोग को आदत हो गया है और लुक भी बहुत अच्छा आ गया इसका। और ये है हमारा पूरा किचन है, आप देख सकते हो हर लेडीज का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में जाता है और मेरा भी यहीं पे जाता है। और देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, मुझे आदत है एक्चुअली नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ मैं पूरा मेरा घर। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, यहाँ पे पूरा खाली स्पेस था तो यहाँ पे हम लोग ने ये वाटर फिल्टर लगा दिया और यहाँ पे एक कॉर्नर पूरा खाली था तो यहाँ पे ये ओवन फिट करवा दिया। और बाकी ये जो आप देख रहे हो ये पूरा सामान स्टोर करने में चला गया है। और ये जो ट्रॉली है इसको एडजस्ट करके यहाँ पे भी आप बहुत सारा मेरा सामान इसमें बैठ गया है, बहुत मतलब बहुत सारा, मतलब आपको किधर भी मेरा मतलब ऐसा फैला हुआ सामान मिलेगा नहीं। और यहाँ पे किचन पे भी एक विंडो है और वहाँ पे एडजस्ट है। और वहाँ पे आप देख रहे हो ना पानी का टंकी डाला हुआ है जो कि नॉर्मली चौल के घर में ओपन रहता है पूरा, जो कोई भी आए तो दिखने में बहुत ही गंदा लगता है। तो हम लोग ने क्या किया उसको पूरा डोर करके पैक कर दिया और वो आपको दिखाई नहीं देगा और पूरा वो स्पेस पूरा आधा तक टंकी और आधा तक हम लोगों ने स्टोर के लिए यूज किया है, मतलब बहुत सारा घर में जगह ऐसे एडजस्टेबल कर दिया है। यहाँ पे ऐसा पोर्ट माला टाइप था तो इसमें हम लोगों ने ये ऐसा बना लिया। और ये किचन है और यहाँ पे आपको ये देख सकते हो ये फ्रिज रखने के लिए जगह है। और यहाँ पे जो जगह था इधर हम लोगों ने वॉशिंग मशीन एडजस्ट किया। तो आप अगर बोल रहे हो कि मतलब इसका पानी किधर जाता है तो इसको भी हम लोगों ने दिमाग लगा के यहाँ पे वॉशिंग मशीन फिट किया और वहां से उसका कनेक्शन अंदर बाथरूम में डाला, जबकि यहाँ पे आप कपड़े अगर मशीन लगाओगे तो उसका पानी डायरेक्टली अंदर बाथरूम में चला जाएगा। और ये जो स्पेस है ये मेरे इंस्टाग्राम का बहुत सारा वीडियोज आपने देखा होगा, ये वॉल अभी तक यहाँ पे हम लोग को एक पेंटिंग लगाना बाकी है तो यहाँ पे पेंटिंग बचा हुआ है, लेकिन बहुत सारा मेरा इंस्टा का वीडियो यहीं पे रहता है, ये जगह पे मैं खड़ी रह के बनाई हूँ और ये मेरा फेवरेट जगह भी है, फेवरेट प्लेस है क्योंकि मोस्ट ऑफ मेरे इंस्टा के वीडियो यहीं पे रहते है। आगे आपको यहाँ पे जब हम लोग ने ये घर खरीदा तो ये पूरा पैसेज खाली था, मतलब इनका पूरा एक ओपन ही था पूरा हॉल ऊपर का हॉल, तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ पे हम लोग बाथरूम और टॉयलेट बना देते हैं। और ये हम लोग का बाथरूम है, आप देख सकते हो ये बाथरूम है। और ये यहाँ पे जो ये दोनों के बीच में जगह बचा हुआ था तो यहाँ पे हम लोग ने ये
मिरर लगा दिया बाथरूम के लिए। यहाँ पे ये अच्छा खासा वॉश बेसिन रख दिया हाथ धोने के लिए। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपका साबुन विबन के लिए ये स्टोरेज बना दिया। मतलब हर चीज के लिए हम लोग ने सोच सोच के जगह एडजस्ट किया। और यहाँ पे ये हम लोग का टॉयलेट है, देख सकते हो आप। मतलब हर एक चीज सोच सोच के समझ के हम लोग ने जगह एडजस्ट करके इतना ब्यूटीफुल बना दिए कि आपको लगेगा ही नहीं ये चाल का घर है। और आगे नेक्स्ट बेडरूम, और ये है मेरा बेडरूम। तो नॉर्मली ये कैसे आपको समझ में आया होगा कि पूरा लंबा हॉल था, उसमें हम लोग ने किचन और बेडरूम बिठाया, और नीचे वाला जो था उसमें पूरा हॉल बिठा दिया। तो बेडरूम का ये लुक है, बहुत बड़ा जगह मिला एक्चुअली। और ये बेडरूम की विंडो है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये जो अगर आपको कॉर्नर का रूम मिल रहा है तो ये अच्छा है कि आपको बहुत बड़ा बड़ा विंडो आप घर में छोड़ सकते हो। और ये मच्छर के लिए हम लोग ने ऑलरेडी बना के लिया हुआ था। और ये मंदिर है, आप सोचोगे कि बेडरूम में मंदिर क्यों है, लेकिन मेरे जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि चलेगा, अगर ऐसा कुछ ये नहीं है, आप अच्छे मन से अगर बेडरूम में भी मंदिर बना दोगे तो ऐसा कुछ ये नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में जगह की बहुत प्रॉब्लम होती है। और मंदिर ये यहाँ पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये जो जगह थी ना, ये पूरा पैसेज खाली पड़ा था, क्योंकि नीचे जो हम लोग ने आए सीढ़ी से ऊपर, तो जो सीढ़ी के लिए जो जगह थी तो ये खाली पड़ी हुई थी। तो हम लोग ने यहाँ पे ये कबर्ड बना दिया पूरा, कपड़े का जगह एडजस्ट करके, और ऊपर का भी पूरा स्टोरेज के लिए बना दिया। आप देख सकते हो पूरा ऊपर, उसमें भी आप सामान रख सकते हो। मतलब हर एक चीज में हम लोग ने जगह एडजस्ट करके लगा दिया है। यहाँ पे ये मिरर पॉइंट बना दिया कि आप छोटे से यहाँ पे ड्रेसिंग करके ड्रेसिंग रूम टाइप का कर दिया। ड्रेसिंग रूम तो नहीं बना सकते, लेकिन मिरर लगा दिया, और आप यहाँ पे आपका मेकअप वगैरह सब कुछ कर सकते हो छोटा सा एकदम। और ये फाइनल लुक है मेरे बेडरूम का, ऊपर मिरर लाइट है। और ये पूरा फाइनल लुक है बेडरूम का, जो कि अच्छा खासा बड़ा है। अगर आप फ्लैट में जाओगे तो फ्लैट में भी इतना बड़ा बेडरूम नहीं मिलता है।